नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HJ न्यूज। इस महिला को नहीं सुनाई देती मर्दों की आवाज, वजह जानकर चकरा जाएगा आपका दिमाग। जी, आपने कई तरह की बीमारियों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम एक ऐसी विचित्र बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस महिला को हो गई, जिसे जानकर सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल सच है। जी हाँ, इस महिला को केवल महिलाओं की आवाज सुनाई देती है, पुरुषों की नहीं। शायद ये सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन चीन में एक ऐसी महिला है जिसे पुरुषों की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। ये कोई अफवाह नहीं बल्कि हकीकत है। चीन की ये महिला रेयर हेयरिंग लॉस की कंडीशन से गुजर रही है, उसे पुरुषों की आवाज सुनाई नहीं देती। चीन की इस महिला का नाम चेन है, जो जियामेन की रहने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब वो सुबह उठी तो उसे अपने बॉयफ्रेंड की आवाज सुनाई नहीं दी। वो बोल रहे थे मगर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इससे पहले वाली रात को उसने अपने कानों में एक घंटी की आवाज बजती हुई सुनाई दी थी और उसे उल्टियां हुई। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उसके कान का सिस्टम लो फ्रिक्वेंसी की आवाजें कैच नहीं कर पा रहा है। इस कंडीशन को रिवर्स स्लो हियरिंग लॉस कहते हैं। इसकी वजह से वो औरतों की आवाज सुन पा रही है मगर पुरुषों की आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही। कान नाक गले के स्पेशलिस्ट ने चेन का चेकअप किया तो पाया कि उसे रिजर्व स्लो हियरिंग लॉस है, जिसे लो फ्रिक्वेंसी हियरिंग लॉस भी कहते हैं, यानी कि कम आवृत्ति की ध्वनि उसे सुनाई नहीं देती। अधिकतर लोग जिन्हें सुनने में तकलीफ होती है, वे उच्च आवृत्ति ध्वनि की परेशानी से पीड़ित हो जाते हैं। उन्हें ऊंची आवाज सुनने में परेशानी होती है। रिवर्स स्लो हियरिंग लॉस को लो फ्रिक्वेंसी हियरिंग लॉस के रूप में जाना जाता है। इस स्थिति में नीचे पिच की आवाज को सुनने में कठिनाई होती है, जैसे पुरुषों की भारी आवाज। चेन इसी से पीड़ित है। एक और रिपोर्ट के अनुसार सुनने की तकलीफ के प्रत्येक 12,000 मामलों में केवल एक मामला ऐसा होता है जहां कम आवृत्ति की आवाजें सुनाई नहीं देती। यूएस और कनाडा में करीब करीब 3,000 लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं। हियरिंग लॉस का मतलब होता है बहरापन, जिसमें कुछ लोग पूरे बहरे हो जाते हैं, कुछ आंशिक, कुछ को लो फ्रिक्वेंसी की आवाज सुनाई नहीं देती। चेन उसी फ्रिक्वेंसी लो की बीमारी से पीड़ित है। वैसे ही कुछ लोगों को हाई फ्रिक्वेंसी की आवाज सुनाई नहीं देती और वे परेशान हो जाते हैं। ये हाई फ्रिक्वेंसी हियरिंग लॉस अक्सर महिलाओं और बच्चों में पाया जाता है। इसी तरह चेन को और भी कई आवाजें सुनाई नहीं दे पाएंगी, जैसे मोबाइल की आवाज, बिजली का कड़कना, गाड़ियों का हॉर्न सुनाई देना। कैसी लगी आपको ये खबर, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।